एसओपी फॉर डिग्री प्लस थ्री फेज टू वेटिंग लिस्ट जो पिलामानकर वेटिंग लिस्ट रे नाम आसी ठीक अच्छे जो पिलामानकर वेटिंग लिस्ट रे नाम आसी स्पॉट एडमिशन रे से माने केमिति केमिति एडमिशन करिवे कौन जमा करिवे को डॉक्यूमेंट जमा करिवे मु तुमको कहि दे पिला माने एही वीडियो टी रे सब किछि तमे पाई परबो तेनु वेटिंग लिस्ट पिला माने कौन करिवे तेनु पिला माने तमरो साम्स वेबसाइट रे 15 डिसेंबर साम्स वेबसाइट रे 15 डिसेंबर 2021 दुईटा बेलू तुमर पब्लीश हो जाइए जो वैकेंट लिस्ट गुड़िक से जो ऑनर्स रे को ऑनर्स रे केते वैकेंट लिस्ट अच्छी से गुड़िक पब्लीश हो जाइए तुमको आउ गोटे वीडियो करके देखेदेवी जे क्योंठी कौन वैकेंट लिस्ट अच्छी तुम्हें जापर से वैकेंट लिस्ट अनुसार तुम एडमिशन हम ना ना जापर तेणु यही वैकेंट लिस्ट अनुसार तुम जदि दुईट वैकेंट लिस्ट अच्छी तेल दस टी पा मानने पांच गुणा फाइव टाइम्स पांच गुणा से पिला जा नोटिस जे तुम्हें वेटिंग लिस्ट अच्छा बुझ बुझ जिनसटे बुझ वेटिंग लिस्ट रे पिला माने अछंती तेणु वेटिंग लिस्ट हो गले जे हो जीव सेमती किछ नै तो दुईटी जदि सीट अछि ताले दुई गुणन पांच समान कौन दुई गुणन पांच समान केते ना दुई गुणन पांच समान दस टी पिला को जाइथिबो वेटिंग लिस्ट रे माने कौन ना तुम्हें वेटिंग लिस्ट रे अछि तुम्हें एडमिशन पई रेडी रुओ ठीक अछि तेणु तुमको कौन करिया को पड़िबो सब माने तुमरो जो वेटिंग लिस्ट आसीछि बोली ताकु ने जमा करिया को पड़िबो तुमर जहाँ भी डॉक्यूमेंट तुमको जमा करिया पड़िबो से कंसर्न कॉलेज रे जमा करिया को पड़िबो जो कॉलेज रे तुम इच्छा करछो पढ़िया पई ठीक अछि से कॉलेज रे जाइकि जमा करिबो ओके तापर से माने कौन करिवे तांकर रैंक अनुसार कहुच कौन ना वोटिंग लिस्टर रैंक अनुसार रैंक अनुसार जिते जन आप्लाय करेंगे से गुड़िक सजाड़ी ने से मानकर एडमिशन हे जदि पाटी एक वेटिंग लिस्ट वन टू थ्री फोर आसी ना फाइव आसी फाइव जमा करेणु फाइव एडमिशन हो तेणु यही भाव में रैंक अनुसार एडमिशन हे जो मैंने आप्लाय करें एडमिशन हे आउ जो कलेजर अच्छा कलेजर प्रिन्सिपाल अच्छा से देखिए एवं सिलेक्शन से ही बेसिस रे हबो जो मैंने अप्लाय करेंगे वेटिंग लिस्ट पिलामानकर अप्लाय करेंगे से ही उपरे हबो तेणु जेते बेले से माने कौन करिवे ना कॉलेज रे से मानकर नोटिस बोर्ड रे से माने बाहर कर देबे को को पिला अप्लाय करथिले एवं कहार हैला ए जो दुईटी माने सीट अछि वैकेंसी लिस्ट रे किंबा तीनोटी सीट अछि तेणु से जो तीनो तीन पंचा पंदर पंदर जन वेटिंग लिस्ट कहार हैला बोली कहिवे तेणु जो मैंने अप्लाय करेंगे से मानकर ही हबो से कॉलेज कंसर्न रे जाई अप्लाई करथिबे ओके तेणु जो माने ऑल सिलेक्टेड एप्लीकेंट जो माने भी सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स से माने सिलेक्शन जदि हे जाई से मानको एडमिशन फीस देबाक पड़िबो केमति ना ऑनलाइन एडमिशन फीस देबाक पड़िबो काहेकि ना से माने मध्य ई स्पेस रे अपडेट कर देबे तापर हे साला परे तमे कोन करिबो ई स्पेस रे लॉगिन करके तम आईडी पासवर्ड लॉगिन करिबो एवं तमको कोन एडमिशन फीस जमा करयाक पड़िबो से समय से माने जेतेबे ई स्पेस रे अपडेट कर देबे जे ई पिलाटी हेला बोली पिलाटी सिलेक्ट होली ताले कौन हम ना ई स्पेस रे माने तुम साम्स ओडिशा जो वेबसाइट अच्छी आईडी पासवर्ड खोलला माने तुमको फीस दाखल करे एबे फीस दाखल करने वेटिंग लिस्ट खाली देखो फीस दाखल करने दबनी कहीं जब सिलेक्ट हो कॉलेज जिते ई स्पेस अपडेट करदेव तापर एडमिशन फीस तुम देपर एडमिशन फीस दे कौन हम ना तुम्हें तुम सीएलसी से जेनेट हो इंटीमेशन लेटर दीटा दीटा जाक जेनेट हो इंटीमेशन लेटर आउ सीएलसी ओके सीएलसी मैंने कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तेणु इंटीमेशन लेटर आउ सीएलसी जो तमे पाइबो ताकु नेकरि आसिबो एवं तमर मेट्रिक सर्टिफिकेट आउ अलग सर्टिफिकेट जोड़ी तमे कौन करिबो आउ को मार्कशीट जोड़ी तमे पुणी एडमिशन नवा पई से कॉलेज को आसिबो ओके सेणु तमे डिपोजिट कर दलो एडमिशन फीस डिपोजिट कर दलो तेणु एडमिशन फीस डिपोजिट डिपोजिट कला परे तमे एडमिशन पई आसिबो ओके तो एडमिशन पई आसिबो जदि सी लिखाई इफ सिलेक्टेड फॉर न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट द फुल अमाउंट एज पर द एडमिशन फीस प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूशन तेणु जदि नुआ कैंडिडेट माने से कौन जो पूर्व जब एडमिशन होडजस्ट हो पैसाटा जदि तुम्हें नुआ कैंडिडेट था मानने तुम्हें केवे भी एडमिशन कर न था तुमको पूरा एडमिशन पैसा देवाक पड़ो ओके तेणु सब ऑनलाइन हम सब ऑनलाइन पैसा देवाक पड़ो ओके तेणु तापर तुम्हें जब सिलेक्ट करदे गोटे भी जोटा फीस पेमेंट जो थे करदेल से ही सिलेक्ट हो गला तेणु तुम पूर्व तेणु इंटीमेशन लेटर बाहरी गला आ तुम ये भी बाहरी गला से जो सीएलसी भी बाहरी गला तेणु तुम्हें आ पूर्व कॉलेज पाठ पढ़ी पार ना तुम्हें से ही नुआ कॉलेज तुम एडमिशन करने को मानने पड़
ତେଣୁ କମ୍ପଲସରୀ ଏଇଟା ଓକେ ତେଣୁ କମ୍ପଲସରୀ ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ପୂର୍ବ କଲେଜ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତୁମେ ଯାଇକି ଜମା କରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତୁମର ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିବ ସେଇଠି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ମାନେ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ନେବେ ପୁଣି ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବ ଆଉ CLC ନେଇକି ଯିବ ତେଣୁ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତେଣୁ 30 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ଫାଇନାଲ୍ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ ସେଇଟା ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ ମାନେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ଆଫ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଜ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ 24 ତାରିଖ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯିବ ତୁମର କାହାର ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଯିବ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ପୁଣି ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କଲେଜର ହେଡ୍ ପୁଣି ସ୍ପେସ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ଯେ ଏତିକି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ତେଣୁ 30 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ସେଇ ଚାଲିବ ସେ 30 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଭେକେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ପୁଣି ବାହାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଭେକେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି କେମିତି ସେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ କିମ୍ବା ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ